हेलो गाइड्स, वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि हम लोग का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चल रहा है इम्परेटिव सेंटेंस। तो आज हम लोग का जो डायरेक्ट का जो रिपोर्टेड स्पीच है लेट अस से स्टार्ट होगा। जब हमारा डायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय हम सेड को हटा करके प्रपोज्ड या सजेस्ट में लिखते हैं। और यदि इस सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ये टू है तो ये टू हटेगा नहीं, तब हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पर हम प्रपोज्ड टू या सजेस्ट टू फे प्लस ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे। ऑब्जेक्ट होगा तभी टू रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो टू नहीं लगेगा। ये गाइड्स हो गया। अब अगर हमारा डायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच लेट या लेटस से प्रारंभ हो तो गाइड्स हम क्या करते हैं, पहला रूल तो हमें मालूम हो गया, सेट को हटा करके ये लिखते हैं और फिर कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा को हम हटाएंगे तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर हम कंजक्शन वर्ड दैट को रखेंगे। हो गया, दो रूल हो गया, तीसरा रूल है। और अब हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस अस को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट में लेके आएंगे तो वी या दे में रखते हैं, वी या दे में रखते हैं। और हम बताएंगे कहाँ वी या दे में रखते हैं, ऐसे कहीं भी रख सकते हैं, चाहे वी रखें चाहे दे रखें, इसमें कोई एरर है नहीं। और फिर जब हम लेट को इधर लेके आएंगे तो लेट को हम किस में करते हैं, सुड में करते हैं। सो गाइड्स हो गया सब रूल। अब चलो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है डायरेक्ट और हम लोग इसे कैसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे। पहले मोहन सेड, मोहन ने कहा लेट अस प्ले ए मैच, मोहन ने कहा चलो चले मैच खेलने, एक मैच खेलने या कोई गेम खेलने। तो अब हम इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या, अब देखो मोहन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो केवल हम यहाँ पर प्रपोज या सजेस्ट लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा सेंस के भाव से प्रपोज और सजेस्ट रखेंगे तो और बेटर होगा। तो चले देखते हैं यहाँ पर क्या है इनडायरेक्ट में। मोहन सजेस्टेड, मोहन ने सुझाव दिया। हो गया गाइड्स। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजक्शन वर्ड हम क्या लगाएंगे, दैट। हो गया। अब देखिए ये रूल, अब हम यहाँ वी को हम किस में कर सकते हैं, मोहन थर्ड पर्सन है और कोई होगा ऑब्जेक्ट, कोई और होगा, कोई किसी से कह रहा होगा, सुनने वाला कोई है, वो इसमें छिपा है नहीं है तो हम, मैं सुना हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मोहन सजेस्ट दैट, मोहन ने कहा कि दे माने उन्हें, तो हम यहाँ इसको किस में बदलेंगे, दे या वी में, तो हम दे में बदल रहे हैं। फिर इस लेट को इधर लेकर आएंगे तो हम क्या कर देंगे, शुड, फिर उसके बाद प्ले ए मैच फुल स्टॉप। मोहन सजेस्टेड दैट, मोहन ने सुझाव दिया कि उन्हें मैच खेलना चाहिए, दे शुड प्ले ए मैच। हो गया गाइड्स। अब चलते हैं दूसरे पर, देखते हैं क्या है। सी सेड टू मी, वह मुझसे कही, क्या कही, इनकी पूरी बात यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में है, पूरी उनकी स्टेटमेंट्स जो है वह रिपोर्टेड स्पीच में है। लेट अस गो टू आगरा टू सी द ताजमहल, यानी वो मुझसे कह रही है कि चलो चले आगरा ताजमहल देखने। तो गाइड्स चलो देखते हैं इनडायरेक्ट में करके, यानी ये मुझसे कही है, मैं आप लोग से आकर इनडायरेक्ट में बोलूँगा बताऊँगा तो कैसे। सी प्रपोज्ड टू, देखो टू लगाए क्यों, यहाँ ऑब्जेक्ट है मी। सी प्रपोज्ड टू मी, वो मुझे प्रपोज्ड की। अब यहाँ इसको हटाएंगे तो कंजक्शन वर्ड क्या हो जाएगा, दैट। अब गाइड्स ये देखो, हमने बताया ये जो अस का शॉर्टकट यहाँ पर कभी ऐसे भी लिख देता है, तब भी हम इसे क्या करेंगे, इसको इधर करेंगे। अब गाइड्स देखो यहाँ पर हम वी करेंगे तो सूटेबल होगा, क्यों, क्योंकि ये जो लड़की है ये मुझसे कही है, मैं किसी से और जाकर कहूँगा तो कहूँगा कि हमें जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि इस रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा
कोई इसमें फर्स्ट पर्सन है यानी ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है और ये मुझसे बोली तो मैं ही सुनाने वाला हूँ इनडायरेक्ट में, तो मैं यहाँ पर अपने को वी बोलूँगा। तो यहाँ हम दे न लिख करके हम वी बोलेंगे। वी शुड गो टू आगरा टू सी द ताज। हो गया। सी प्रपोज टू मी, वो मुझे प्रपोज की कि हमें आगरा जाना चाहिए ताजमहल देखने के लिए। हो गया सती, समझ में आ रहा है ना? अतुल आपको भी? Yes. हाँ चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, राधा से टू श्याम, राधा ने श्याम से कही, क्या कही? सही श्याम। फिर क्या कर रहा है? लेट अस लव इच अदर। चलो चले हम लोग एक दूसरे से प्रेम करें, यानी चलो चले हम लोग एक दूसरे से प्रेम करें। तो गाइड्स, यहाँ पर राधा क्या कर रही है श्याम को, यानी प्रपोज कर रही है ना कि चलो हम लोग एक दूसरे से प्रेम करें। तो चले इनडायरेक्ट में देखते हैं, यानी राधा श्याम से कही, मैं इन दोनों की बात सुना, आप लोग को आकर इनडायरेक्ट में सुनाऊंगा। देखते हैं कैसे इसका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनेगा। राधा राधा प्रपोज्ड टू, और यहां पर भी टू रहेगा क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट श्याम है, श्याम इन्वर्टेड कामा हटा दैट। राधा प्रपोज टू श्याम, राधा ने श्याम को प्रपोज किया कि, अब गाइड्स देखो, राधा भी थर्ड पर्सन और श्याम भी थर्ड पर्सन, सुनने वाला मैं हूं तो मैं कहूंगा वे लोग। तो हम यहां पर दे शुड लव इच अदर, और यहाँ अगर दे के बजाय अगर हम वी कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा। बट गाइड्स यहाँ पर मैं सुना रहा हूँ कि उन लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। सो गाइड्स चले हो गया। अब अगर यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या कर रहा है, लेट मी हिम हर यू, यानी अस ये ना हो बाकी दूसरा ऑब्जेक्ट हो, तब हम क्या करेंगे उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, वहां थोड़ा सा रूल चेंज हो गया। अब गाइड्स क्या कर रहा है, द प्रिंसिपल सेड टू द प्योर, यानी प्रिंसिपल ने अपने चपरासी से कहा, क्या कहा, लेट नो वन कम लेट, यानी किसी को देरी से आने मत दो। अब गाइड्स यहाँ पर पूरी रूल चेंज हो गया, अब हमारा ऑब्जेक्ट अस न होकर के थोड़ा अलग अलग है, ये हो गया यानी कि यू हो गया, या कोई नेम हो गया, या कोई ऑब्जेक्ट एटीसी अलग है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ बड़ा छोटे को कुछ कह रहा है तो हम क्या करेंगे, सेट टू को हम किस में बनाएंगे, ऑर्डर लिखेंगे, यानी सेट टू को हम ऑर्डर लिखेंगे, और यहाँ लेट को हम बदलेंगे सुड में, और ये सब्जेक्ट को लेकर आएंगे इधर करेंगे, और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दैट रहेगा, रूल वही रहेगा, बट लेकिन यहाँ थोड़ा सा ऑर्डर का सेंस झलक रहा है। तो चले देखते हैं कैसे इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि ये जो तीन थे ये अलग रूल था, अब ये जो नीचे है इनका थोड़ा अलग अलग रूल है, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में बहुत रूल है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो चले देखते हैं यहाँ पर क्या है, द प्रिंसिपल्स ऑर्डर्ड हिज फ्योन दैट, अब प्रिंसिपल ने चपरासी को आदेश दिए कि अब क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है, नो वन शुड
कम लेट। प्रिंसिपल ने चपरासी को आदेश दिया कि कोई देर में नहीं आना चाहिए, ऐसा लगेगा क्यों। अब गाइड्स आप ध्यान देना, बड़े छोटे से कहेगा तो हम आर्डर लगाएंगे, जब छोटा बड़े से कहेगा तो हम सेट को हटाकर रिक्वेस्ट लगाएंगे, इतना ध्यान देना। फिर आगे देखते हैं, द किंग सेट, राजा ने कहा, क्या कहा, लेट द मैन बी सेट फ्री। राजा किसी से कह रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, किस कह रहे हैं कि आदमी को फ्री कर दो, यानी उन्हें फ्री सेट कर दो, यानी उन्हें स्वतंत्र कर दो। किंग ऑर्डर्ड दैट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधे बस द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया कि द मैन, क्योंकि सब्जेक्ट ये है द मैन। अब इधर लेट को हम लेकर इधर आएंगे तो क्या कर देंगे, शुड, द मैन शुड बी सेट फ्री। द किंग ऑर्डर दैट, राजा ने आदेश दिया कि द मैन शुड बी सेट फ्री, आदमी क्यों, यानी आदमी स्वतंत्र होना चाहिए, है ना जी। आगे समझ में, आगे चलते हैं। He said to his master. अब देखो गाइड्स, ये छोटा है और उसके जो मास्टर है यानी जो उसके मालिक है वो बड़े हैं, यानी अब क्या कह रहा है, छोटा बड़े से कह रहा है, क्या कह रहा है, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। अब कोई छोटा व्यक्ति बड़े से कहेगा तो ऑर्डर नहीं देगा, रिक्वेस्ट करेगा। और यहाँ देखो हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस में भाव दे रहा है, यानी कैसा सेंस दे रहा है, यानी रिक्वेस्ट, यानी छोटा कोई अपने मास्टर्स कह रहा है मुझे घर जाने दो। तो चले देखते हैं इसको कैसे हम लगाएंगे। और गाइड्स यहाँ ध्यान देना, यहाँ तो हमने लेट को हटा करके सूड में बदला, बट लेकिन यहाँ जो लेट है ये नहीं हटेगा, इसके मीन्स यहाँ हम देना, यानी हम इसको एक क्या कर लिए, इसको हम वर्ब मान लिए और इसके मीन्स देना हो गया, तो हम लेट को नहीं हटाएंगे। और इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम टू का प्रयोग करेंगे, यहाँ दैट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ थोड़ा सा अलग सा रूल है। सो गाइड्स चलो देखते हैं, ही, अब यहाँ पर कोई छोटा बड़े से रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये हो जाएगा मास्टर, यानी वो अपने मास्टर से क्या किया, रिक्वेस्ट किया, हो गया जी। अब ध्यान देना यहाँ हम दैट नहीं लगा सकते सतीश, क्यों, क्यों दैट नहीं लगा सकते, हाँ क्योंकि यहाँ जो लेट है ये वर्ब हो गया, यहाँ वर्ब हो गया तो हम यहाँ सूड नहीं लगा सकते। और इसको एक तरह से और बनाते हैं, अगर हम दैट लगाएंगे तो इसको हम एक तरह से और बनाएंगे, तब वहाँ पर वो सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी तब हो जाएगा दैट, और यहाँ जो है ही आ जाएगा, दैट ही माइट बी अलाउड, यानी यहाँ परमिशन अलाउड का अलग से वो मतलब रखा जाता है, वो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन ये क्या है, ये इजी होता है। तो हम यहाँ टू लगा दिए और लेट को हम बदलेंगे नहीं, लेट कर दिए, और ये जो मी है किसके अनुसार बदलेगा, यानी ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ हम बताएंगे हेम गो होम, हो गया जी। अतुल समझ में आया, He requested his master, वो अपने मास्टर से अपने मालिक से रिक्वेस्ट किया टू लेट देने के लिए, him उसे go home उसे घर जाने के लिए वो अपने मास्टर से रिक्वेस्ट किया, हो गया। अब देखो नीचे बना हुआ है, केवल हमें समझना है, सेम ऊपर वाला है, देखिए क्या करें। अब बॉय सेड टू हिज मदर्स, यानी एक लड़का है, कोई लड़का है वो क्या अपने माँ से कहा, अब लड़का छोटा है, माँ क्या है बड़ी है ना, तो यहाँ देखो छोटा बड़े से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि लेट मी गो आउटसाइड टू प्ले, मुझे बाहर जाने दो खेलने के लिए, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट झलक रहा है ना। अब देखो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है, बना हुआ है केवल समझने का है। बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर, यानी लड़का अपने माँ से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है टू लेट देने के लिए, हिम उसे,
उसे देने के लिए क्या, गो आउटसाइड यानी उससे बाहर जाने के लिए, टू प्ले खेलने के लिए। आ गया जी समझ में? तो आज हम लोग कितने रूल पढ़े, आज हम लोग 3 रूल पढ़े, राइट ना। पहले हम लोग क्या पढ़े, यानी कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट हो, लेट अस से, है ना, लेट अस से हो, तो हम सेड को हटा करके प्रपोज या सजेस्ट में बदलेंगे। ऑब्जेक्ट रहने के बाद टू रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो टू नहीं रहेगा, हो गया। और हमने क्या देखा कि लेट को यहाँ शुड किए और इस अस को हमने वी या दे में बदले और इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट में बदले। कितने सेंटेंस, यानी कि यहाँ 3 डायरेक्ट, यानी कि 3 को हमने इस वाले रूल से पढ़े। फिर 2 रूल हमने ये पढ़ा कि छोटा, अरे सॉरी, जो बड़ा है वो छोटे को कुछ आदेश दे रहा था, तो सेड को हमने आर्डर लगाया और इन्वर्टेड कामा को दैट लगाया, लेट को शुड में रखा, सब्जेक्ट को इधर लाया, लेट को इधर शुड में रखा और सब्जेक्ट को इधर लाया, राइट हो गया। और फिर 2 लास्ट था, वो क्या था, छोटा कोई बड़े से रिक्वेस्ट किया, है ना, कुछ कहा, तो यानी हमने सेड को हटाकर रिक्वेस्ट में रखा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर हमने टू में रखा और लेट को लेट में रहने दिया। अगर हमने लेट को माइट में बदलते और यहाँ जो इन्वर्टेड कामा है उसको हम अगर दैट में करते तो वो थोड़ा अलग तरीके से बनता, वो थोड़ा लंबा होता है, मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा। सो आ गया जी समझ में? Yes. पूरा एकदम इस तरह से कंफ्यूज नहीं होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा इस तरह से, हो गया। सो गाइड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कुछ समझ में आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग इसी तरह से कुछ पढ़ते लिखते सीखते हुए चलेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।